नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। राजस्थान के भिलवाड़ा जिले से बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां लोन भुगतान के एवज में स्टाम्प पेपर पर लड़कियों की नीलामी करने का मामला सामने आया है, जिस पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि इस कथित घटनाक्रम की जांच के लिए एक टीम भिलवाड़ा भेजी जा रही है। शर्मा ने कहा कि पिछले कुछ सालों से इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। जानकारी के मुताबिक, आपको बता दें कि महिला आयोग अध्यक्ष रेखा शर्मा राजस्थान के प्रमुख सचिव और भिलवाड़ा के एसपी से 1 नवंबर को मुलाकात करेंगी। फिलहाल इस मसले की जांच के लिए आयोग ने 2 सदस्यीय टीम का गठन किया है। आयोग ने कहा कि इस बात की खबरें आ रही हैं कि गांव में कई तरह के विवाद सुलझाने के लिए लड़कियों को स्टाम्प पेपर पर वेश्यावृत्ति के लिए बेचा जाता है। साथ ही साथ राष्ट्रीय महिला आयोग ने राजस्थान के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर इस मामले में तुरंत कार्रवाई और उस कार्रवाई की जानकारी देने को कहा है। इसके अलावा आयोग ने राजस्थान के डीजीपी को भी पत्र लिखकर इस मामले में आरोपी पर एफआईआर में सभी जरूरी धाराएं लगाने के लिए कहा है। आयोग ने डीजीपी से आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने के लिए भी कहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी सरकार को इस घटना को लेकर के नोटिस जारी किया है। बताया जाता है कि अगर लड़कियों की स्टाम्प पेपर पर नीलामी से मना किया जाता है तो इसके बदले उनकी पंचायत लड़कियों की मां का बलात्कार करने का आदेश देती है। आपको बता दें कि इस वक्त राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चल रही है। वहीं इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी ने इस पर निशाना साधा है। जयपुर में बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में बाजार में लड़कियों को बेचा जा रहा है, गुलाम बनाया जा रहा है। राजस्थान में 14 बच्चे प्रतिदिन लापता होते हैं, 1 महीने में 400 लड़कियां लापता हो जाती हैं और दुष्कर्म में राजस्थान का नंबर सबसे ऊपर है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार में बाजार के अंदर बेटियों को, बहनों को बेचा जा रहा है। ये इतनी भयावह स्थिति राजस्थान की हो गई है कि लड़कियों की खरीद फरोख्त हमारे राजस्थान के अंदर हो रही है, उन्हें गुलाम बनाया जा रहा है। अब इस तरह की बातें हमने सिर्फ आइसिस और तालिबान के अंदर सुनी थी, लेकिन अब इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं। ये राजस्थान के लिए और पूरे देश के लिए, खास तौर से ऐसा राष्ट्र जो दिवाली मनाता हो, दशहरा मनाता हो, भाई दूज मनाता हो, रक्षाबंधन मनाता हो, जिसके अंदर मुख्यमंत्री जब लोगों से बात करते हैं तो भाइयों और बहनों बोलते हैं, वहां पर बहनों को, बेटियों को गुलाम बनाया जा रहा है। और ये एक बार नहीं, ये लगातार पिछले 3 साल से इसकी खबरें अखबार के अंदर आ रही हैं। सेक्स स्लेव बनाया जा रहा है, मतलब किस तरह की बातें राजस्थान के अंदर हो रही हैं। भीलवाड़ा के अंदर लगातार 3 साल से खबरें आ रही हैं, दूसरे राज्यों के अंदर, विदेश के अंदर हमारी बहन बेटियों को बेचा जा रहा है। और इसकी पूरी जानकारी प्रशासन के पास है, पुलिस के पास है, सरकार इससे पूरी तरह जागरूक है इस बात से, लेकिन फिर भी आपको ताज्जुब होगा कि एक भी एफआईआर नहीं लिखी गई है। वहीं दूसरी ओर लड़कियों को स्टाम्प पेपर पर बेचे जाने वाले मामले का राजस्थान के मंत्री प्रताप खाचरियावास ने खंडन किया है। उन्होंने कहा, यह जांच का विषय है, बिना जांच के हम यह नहीं कह सकते कि जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो सच हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पहले राजस्थान की पुलिस से बात करनी चाहिए। राजस्थान में लड़कियों को बेचे जाने की कोई घटना नहीं हुई है। जाते जाते मंत्री जी को भी सुनते जाइए। ये जो सोशल मीडिया पे नेशनल वुमेन कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस पे संज्ञान लिया, नोटिस जारी किया। नोटिस राजस्थान सरकार को जारी किया होगा, क्यों? डीजीपी को जारी किया। राजस्थान सरकार को नोटिस जारी करने से पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को आगे बढ़कर अपनी जांच टीम भेजनी चाहिए थी, वहां पर सच्चाई सामने लाना चाहिए था। ये कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, ये कांग्रेस बीजेपी का मुद्दा नहीं है। कहीं पर यदि आप कह रहे हैं ऐसा हो रहा है और वो जांच होने से पहले ही आपने नोटिस जारी कर दिए डीजीपी को, तो आप जांच करवाइए, अपनी टीम भेजिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। तो ये सारा मामला जब आपने डीजीपी को नोटिस भेज दिया तो डीजीपी तो जांच करा लेंगे, राजस्थान सरकार जांच करा लेगी। जांच होने के बाद सच्चाई सामने आने दीजिए, मामला सही है या झूठ ये तो सामने आए, पहले ही हम कह दें। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पॉलिटिकल कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। राज्य में आप मानवाधिकार आयोग, आप उनसे बात कर लो, डीजीपी को आपने नोटिस जारी किए हैं,
तो इसका मतलब घटना सच तो साबित नहीं होगी, सच्चाई सामने आने दीजिए उसके बाद बोलेंगे। ये तय बात है राजस्थान में हर व्यक्ति की सुरक्षा, अपराधियों को सख्त सजा देना, कानून व्यवस्था मेंटेन करना हमारी जिम्मेदारी है, उस पर हम काम कर रहे हैं और उस पर काम नजर आ रहा है। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।